दोस्तों पिछले साल इंडिया की काफी लड़कियों के दिल टूटे थे, आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। बॉलीवुड के हैंडसम हंक विकी कौशल ने बीते साल दिसंबर के महीने में अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ शादी रचाई थी और कोरोना के दौरान सास फेरे की लेने वजह से विक्की और कैट हनीमून पर नहीं जा पाए थे और फिर ये दोनों ही एक्टर्स अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। कुछ दिन पहले ये दोनों अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद एक छोटे से हनीमून पर निकले थे और दोनों को रात के अंधेरे में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया था, जहां से सामने आई इनकी फोटोज इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हुई थी। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही फैंस विक्की और कैट के हनीमून की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आपका इंतजार हो गया है खत्म, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ये कपल कहां सैर सपाटे के लिए निकला है। विक्की कौशल ने कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी पर हनीमून की अपनी पहली तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में ये साफ हो गया है कि विक्की और कैट हनीमून मनाने के लिए पहाड़ों पर नहीं बल्कि समंदर किनारे गए हैं। विक्की ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें ढलते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़ती नजर आ रही हैं, जो समुद्र की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। विक्की की ये तस्वीरें सामने आने के बाद से ही फैंस उनसे तस्वीरों की डिमांड कर रहे हैं। जब तक विक्की और कैट हनीमून की और तस्वीरें शेयर नहीं करते तब तक उनके फैंस को इस स्टोरी से ही काम चलाना पड़ेगा। आपको जान के बहुत खुशी होगी दोस्तों कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ शादी करते ही बॉलीवुड के सबसे महंगे कपल्स में से एक बन गए हैं। रणवीर दीपिका और विराट अनुष्का की तरह विक्की और कैट की डिमांड भी मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है। हर एक ब्रांड इन दोनों को साइन करना चाहता है, इन दोनों को अपने अपने कामों में कास्ट करना चाहता है, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी भी ब्रांड के साथ हाथ नहीं मिलाया है और फैंस को उम्मीद है कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ जल्द ही फिल्मों और एड मूवीज में साथ दिखाई देंगे।